प्रश्न क्रमांक 6, निर्गुण काव्य धारा के प्रकार बताते हुए उनके प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, निर्गुण काव्य धारा के प्रकार बताते हुए उनके प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है। भक्ति काल को प्रमुख दो रूपों में बांटा जा सकता है। एक, निर्गुण काव्य धारा। दो, सगुण काव्य धारा। पहला, निर्गुण काव्य धारा। इसे निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, ज्ञानमार्गी शाखा। यह काव्य धारा बाह्य आडंबर पर विश्वास नहीं करती। इस धारा के कवि आंतरिक शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। इन्होंने जीवन को सरल तथा निर्मल बनाने पर बल दिया है। जाति भेद, वर्ण भेद को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के दोहे तथा पदों की रचना की है। इस धारा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, दादूदयाल, गुरु नानक देव तथा रैदास। नंबर 2, प्रेम मार्गी शाखा। इस काव्य धारा को सूफी या प्रेम मार्गी काव्य धारा कहते हैं। इस काव्य धारा में मुसलमान संत कवि सम्मिलित थे। इन कवियों ने अद्वैत बात पर अपनी लेखनी चलाई है। प्रेम का रहस्यमय रूप प्रेम मार्गी शाखा में देखने को मिलता है। इनमें भारतीय लोक गाथाओं को आधार बनाया गया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। दोहा, चौपाई तथा मसनवी शैली में सूफी कवियों ने आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इस शाखा के कवियों ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है। संसार में अज्ञानता को दूर करने का सशक्त माध्यम गुरु है। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, आलम, उस्मान तथा शेख नवी इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निर्गुण काव्य धारा के प्रकार बताते हुए उनके प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, निर्गुण काव्य धारा के प्रकार बताते हुए उनके प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है। भक्ति काल को प्रमुख दो रूपों में बांटा जा सकता है। एक, निर्गुण काव्य धारा। दो, सगुण काव्य धारा। पहला, निर्गुण काव्य धारा। इसे निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, ज्ञानमार्गी शाखा। यह काव्य धारा बाह्य आडंबर पर विश्वास नहीं करती। इस धारा के कवि आंतरिक शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। इन्होंने जीवन को सरल तथा निर्मल बनाने पर बल दिया है। जाति भेद, वर्ण भेद को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के दोहे तथा पदों की रचना की है। इस धारा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, दादूदयाल, गुरु नानक देव तथा रैदास। नंबर 2, प्रेम मार्गी शाखा। इस काव्य धारा को सूफी या प्रेम मार्गी काव्य धारा कहते हैं। इस काव्य धारा में मुसलमान संत कवि सम्मिलित थे। इन कवियों ने अद्वैत बात पर अपनी लेखनी चलाई है। प्रेम का रहस्यमय रूप प्रेम मार्गी शाखा में देखने को मिलता है। इनमें भारतीय लोक गाथाओं को आधार बनाया गया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। दोहा, चौपाई तथा मसनवी शैली में सूफी कवियों ने
आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इस शाखा के कवियों ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है, संसार में अज्ञानता को दूर करने का सशक्त माध्यम गुरु है। मलिक मोहम्मद जायसी कुतुबन, मंझन, आलम, उस्मान तथा शेख नबी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निर्गुण काव्यधारा के प्रकार बताते हुए उनके प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, निर्गुण काव्यधारा के प्रकार बताते हुए उनके प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है। भक्ति काल को प्रमुख दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक निर्गुण काव्यधारा, दो सगुण काव्यधारा। पहला निर्गुण काव्यधारा, इसे निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ज्ञानमार्गी शाखा, यह काव्यधारा बाह्य आडंबर पर विश्वास नहीं करती, इस धारा के कवि आंतरिक शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। इन्होंने जीवन को सरल तथा निर्मल बनाने पर बल दिया है। जाति भेद वर्ण भेद को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के दोहे तथा पदों की रचना की है। इस धारा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, दादूदयाल, गुरु नानक देव तथा रैदास। नंबर 2, प्रेम मार्गी शाखा। इस काव्यधारा को सूफी या प्रेम मार्गी काव्यधारा कहते हैं। इस काव्यधारा में मुसलमान संत कवि सम्मिलित थे। इन कवियों ने अद्वैत बात पर अपनी लेखनी चलाई है। प्रेम का रहस्यमय रूप प्रेम मार्गी शाखा में देखने को मिलता है। इनमें भारतीय लोक गाथाओं को आधार बनाया गया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। दोहा, चौपाई तथा मसनवी शैली में सूफी कवियों ने आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इस शाखा के कवियों ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है, संसार में अज्ञानता को दूर करने का सशक्त माध्यम गुरु है। मलिक मोहम्मद जायसी कुतुबन, मंझन, आलम, उस्मान तथा शेख नबी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निर्गुण काव्यधारा के प्रकार बताते हुए उनके प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, निर्गुण काव्यधारा के प्रकार बताते हुए उनके प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है। भक्ति काल को प्रमुख दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक निर्गुण काव्यधारा, दो सगुण काव्यधारा। पहला निर्गुण काव्यधारा, इसे निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ज्ञानमार्गी शाखा, यह काव्यधारा बाह्य आडंबर पर विश्वास नहीं करती, इस धारा के कवि आंतरिक शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। इन्होंने जीवन को सरल तथा निर्मल बनाने पर बल दिया है। जाति भेद वर्ण भेद को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के दोहे तथा पदों की रचना की है। इस धारा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, दादूदयाल, गुरु नानक देव तथा रैदास। नंबर 2, प्रेम मार्गी शाखा। इस काव्यधारा को
सूफी या प्रेम मार्गी काव्यधारा कहते हैं। इस काव्यधारा में मुसलमान संत कवि सम्मिलित थे। इन कवियों ने अद्वैतवाद पर अपनी लेखनी चलाई है। प्रेम का रहस्यमय रूप प्रेम मार्गी शाखा में देखने को मिलता है। इनमें भारतीय लोक गाथाओं को आधार बनाया गया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। दोहा, चौपाई तथा मसनवी शैली में सूफी कवियों ने आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इस शाखा के कवियों ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है। संसार में अज्ञानता को दूर करने का सशक्त माध्यम गुरु है। मलिक मोहम्मद जायसी कुतुबन, मंझन, आलम, उस्मान तथा शेख नबी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निर्गुण काव्यधारा के प्रकार बताते हुए उनके प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, निर्गुण काव्यधारा के प्रकार बताते हुए उनके प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है। भक्ति काल को प्रमुख दो रूपों में बांटा जा सकता है। एक, निर्गुण काव्यधारा। दो, सगुण काव्यधारा। पहला, निर्गुण काव्यधारा। इसे निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, ज्ञान मार्गी शाखा। यह काव्यधारा बाह्य आडंबर पर विश्वास नहीं करती। इस धारा के कवि आंतरिक शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। इन्होंने जीवन को सरल तथा निर्मल बनाने पर बल दिया है। जाति भेद, वर्ण भेद को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के दोहे तथा पदों की रचना की है। इस धारा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, दादूदयाल, गुरु नानक देव तथा रैदास। नंबर 2, प्रेम मार्गी शाखा। इस काव्यधारा को सूफी या प्रेम मार्गी काव्यधारा कहते हैं। इस काव्यधारा में मुसलमान संत कवि सम्मिलित थे। इन कवियों ने अद्वैतवाद पर अपनी लेखनी चलाई है। प्रेम का रहस्यमय रूप प्रेम मार्गी शाखा में देखने को मिलता है। इनमें भारतीय लोक गाथाओं को आधार बनाया गया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। दोहा, चौपाई तथा मसनवी शैली में सूफी कवियों ने आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इस शाखा के कवियों ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है। संसार में अज्ञानता को दूर करने का सशक्त माध्यम गुरु है। मलिक मोहम्मद जायसी कुतुबन, मंझन, आलम, उस्मान तथा शेख नबी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं।